देखो हमारा चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ का मतलब क्या बेटा, जो हम अर्थ को देखते हैं वो अंदर से कैसी है उसके बारे में बात करनी है हमें केवल आज। ठीक है चलिए देखते हैं। तो इनसाइड आवर अर्थ का मतलब है अर्थ के अंदर का कैसा स्ट्रक्चर है। देखो द अर्थ आवर होमलैंड, द अर्थ इज आवर होमलैंड, द अर्थ आवर होमलैंड इज डायनेमिक प्लेनेट। डायनेमिक प्लेनेट का मतलब क्या होता है कि जो इसमें बहुत ज्यादा है ना अलग अलग जिसके रूप हो, जिसे बहुत ज्यादा वेराइटी, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। कॉन्स्टेंटली मतलब कि अभी भी लगातार, या लगातार बाहर से और अंदर से चेंज हो रहा है, इसमें चेंजिंग हो रही है। ठीक है व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ। अब सोचने वाली बात है कि जो हमारी अर्थ है वो बनी हुई किस चीज की है। ठीक है पहले देखो, अगर अर्थ को देखो बेटा तो जो सबसे ऊपर का ये जो ब्लू वाला कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का ये ऊपर वाला, ये तो क्रस्ट है। उसके नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। ठीक है ये क्रस्ट ऊपर वाला है हमारा, जिसको लिथोस्फेयर करते हैं, सॉरी ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, क्रस्ट मेंटल कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। चलो ठीक है इसको मैं अभी है ना व्हाइट बोर्ड पे समझा। तो हमें जानना है सबसे पहले किसके बारे में, क्रस्ट के बारे में। हमें सबसे पहले क्रस्ट के बारे में जानना है, क्रस्ट के उसके बारे में हम ये बताएं आपको, क्रस्ट जो है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्रस्ट को क्या कहेंगे, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सबसे ऊपरी हिस्से को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ये है ना ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे, ये रेड वाला। ठीक है उसके बाद ये जो है अबाउट 35 किलोमीटर से लेकर के है ना कॉन्टिनेंट्स के नीचे और उसके बाद ओशियन के नीचे 5 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ये मैं अभी आपको ड्राइंग बना के समझाऊंगा, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो कॉन्टिनेंट है बेटा, देख रहे हो ना ये कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है वो इतना ज्यादा मोटा हो सकता है। ठीक है ना इतना ज्यादा मोटा, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ये 35 किलोमीटर तक हो सकता है अबाउट। ठीक है मतलब कि अगर यहाँ पे कॉन्टिनेंट मतलब लैंड के नीचे अगर आप जाएंगे तो इतनी गहराई तक आपको जमीन मिलेगा, उसके बाद ही मेंटल मिलेगा। लेकिन सी फ्लोर में कैसा है, सी फ्लोर ज्यादा मोटा नहीं होता, सी फ्लोर बस इतना ही मोटा है, देख रहे हैं ना इतना ही मोटा, और ये कितना है अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर इतना मोटा। आप लोगों को समझ में आया सी फ्लोर और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट्स के नीचे और सी के नीचे क्रस्ट कितना मोटा होता है। डच डच नहीं है क्या यस जरूर। सर हाँ बेटा मैं कह रहा था कि देखा ना आपने कॉन्टिनेंट के नीचे जो क्रस्ट होता है ना वो लगभग 35 किलोमीटर मोटा होता है। ठीक है और जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ब्लू कलर तो ओशियन है, तो ब्लू कलर के नीचे आप देख रहे हो ना इतना ही मोटाई होता है। उसके बाद सीधे क्या होता है, या और थोड़ा नीचे जा सकते हैं, थोड़ा सा नीचे और जा सकते हैं यहाँ तक ही बस, उसके बाद हमको क्या मिलेगा, सीधे मेंटल मिलेगा। ठीक है अब जो हमारा पूरा क्रस्ट है ये देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इलाका है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मोटाई वाला जो इलाका है वो किसका बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको Si4C और Al मतलब एल्यूमिनियम का लिया गया है। तो सिलिका से Si और एल्यूमिनिया से Al लेकर के हमने इस ऊपरी लेयर का नाम क्या दिया, सियाल दिया। ठीक है उसी तरह बेटा अगर क्रस्ट के नीचे हम जाते हैं, ठीक है द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पर एक और डिफरेंस है। देखो मैं आपको ना व्हाइट बोर्ड पर अच्छी तरह समझा, पहले मैं वहां ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या है, यह है हमारी अर्थ, नो नो अच्छा नहीं, देख मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ आप लोग के लिए।
ये हमारी अर्थ है। अगर इस अर्थ को हम, आपको पता है कि अर्थ का सेंटर कितने किलोमीटर तक होता है, शुभम बता सकते हो आप? ये अगर अर्थ को हम ऊपर से क्रस्ट से नीचे चलते जाएं तो ये इसके सेंटर पे कितने किलोमीटर के बाद पहुंचेगा? एनी आइडिया? याद रखिए ये होता है बेटा 6400 किलोमीटर। अब उसके बाद हम आपको बताएं, अगर इस हिस्से का एक स्लाइस काट के निकाल दे, इस तरबूज की तरह स्लाइस नहीं काटते उस तरह से, तो आप देखो यहाँ पर जो होता है, जो सबसे ऊपर होता है, इसको कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद आती है बारी मेंटल की, उसके बाद कोर और उसके बाद इनर। ठीक है, तो हमने इसको नंबर दिया फर्स्ट, हम इसको नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, इसको नंबर टू दे सकते हैं, इसको नंबर थ्री दे सकते हैं, और इस वाले हिस्से को नंबर फोर दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है देखो, फर्स्ट पे है हमारा क्रस्ट, P4 क्रस्ट। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, है मेंटल, M4 मेंटल। तीसरे नंबर पे क्या है, आउटर कोर, O से आउटर, सी से कोर। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे क्या है, इनर कोर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, थोड़ा ड्राइंग नहीं हो पाती, पता नहीं, एक सेकंड मैं देखूं जरा कुछ मेरे पास हो ऐसा। सेकंड रुकिए, ये देखिए आवाज आ रही है तक आप लोगों को? तो हमारा जो क्रस्ट है, पूरा का पूरा जो अर्थ है, ये इसी तरह है। अर्थ है, उसके अंदर से अगर हम एक सर्कल निकाले, इस तरह स्लाइस करें, तो ऊपर ये हमारा क्रस्ट हो जाता है, उसके नीचे मेंटल हो जाता है, उसके बाद ये आउटर कोर और ये इनर कोर। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई ये सब देखते हैं अच्छे तरह से। देखो अगर हम बात करें तो जो हमारा क्रस्ट होता है वो किनका, किन से मिलके बना होता है, जो क्रस्ट होता है। अब क्रस्ट भी बेटा दो तरह के होते हैं, क्रस्ट जो होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहला तो होता है सियाल, है ना, और दूसरा क्या होता है, सीमा। सियाल कहाँ होता है आपको पता है ना, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं अर्थ के, मतलब कि जो लैंड वाले इलाके हैं, वहां पर सिलिका, एस फॉर सिलिका, SI फॉर सिलिका, और AL फॉर एलमुनियम, इनके मिलने से बना होता है। तो वहां जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, जैसे मान लो कि बेटा ये क्या है ना, कि जैसे ये आप मान लो कि अर्थ मान लो, ठीक है, हमने दिखाया था ना आपको, और ये ओशियन, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो यहां पर जो कॉन्टिनेंट के ऊपर वाला जो हमारा क्रस्ट है, ये तो बना है, इसको कहते हैं बेटा सियाल। ठीक है, सियाल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिलिका और एलुमिनिया से बना है। लेकिन इस वाले अगर क्रस्ट की बात करें, जो कि ओशन के ऊपर वाला है, तो इसको हम कहते हैं सीमा। सीमा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये सिलिकॉन इसमें लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड दिखा रहे हैं आपको, ये किसका बना होता है, देखिए यहाँ पर बुक में देखिए आप, देखो ये जो है सीमा, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये
सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, तो ओशियन के नीचे का जो फ्लोर होता है ना हमारा, ओशियन के नीचे वाला ये वाला हिस्सा जो होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, इसलिए हम लोग इसको सीमा कहते हैं। और ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है ये किसका बना होता है, मैंने आपको बताया था ना, इसको सियाल कहते हैं क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम का, तो ये जो है इसको कहते हैं सियाल। क्रस्ट हमारे दो तरह के होते हैं, जो कॉन्टिनेंट के ऊपर क्रस्ट होता है उसको सियाल कहते हैं, ये सिलिका और एल्युमिनिया का बना होता है, और ओशियन के ऊपर का जो क्रस्ट होता है उसको सीमा कहते हैं क्योंकि वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। इज इट क्लियर दक्ष, समझ में आया आपको? दक्ष यस ठीक है, देखो उसके बाद अगर हम जैसे ही क्रस्ट के नीचे जाते हैं, थोड़ी गहराई में जाते हैं, ठीक है ना, इट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 290 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। जैसे मान लो कि ये अगर हम इसको यहाँ पर अर्थ अगर एक छोटा सा बना दे, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको पता है कि अगर इस तरह किया जाए, हम कैटेगराइज करें, तो मान लो कि ये हमारा क्रस्ट है, तो क्रस्ट जहां खत्म होता है ना, तो उससे ले करके बेटा 2900 किलोमीटर की गहराई तक, देख रहे हैं ना, ये जो है ये वाला हिस्सा जो है पूरा जो मैंने सेट कर दिया, ये जो सियाल सॉरी क्रस्ट के नीचे और कोर के बीच में जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेंटल। और मेंटल कितना होता है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक। मैं बॉक्स एक ही बात समझा दूंगा आप लोगों को, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विच इज रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, है ना, इट इज मेनली यूज्ड ऑफ निकेल एंड आयरन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड निफे। देखिए अब क्या होता है, जो क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, मेंटल के नीचे क्या होता है, कोर होता है, तो कोर में क्या होता है, जो कोर सबसे नीचे होता है ना वो निकेल और आयरन का बना होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, Ni फॉर निकेल और Fe फॉर फेरस, मतलब कि आयरन। तो निकेल को हम क्या कहते, सॉरी जो कोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, निफे भी कह सकते हैं। सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कोर का जो सेंट्रल का भाग होता है ना, सबसे बीच का हिस्सा, वो बहुत ही ज्यादा वहाँ हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। चलो मैं फिर से है ना बोर्ड पे आपको समझाऊँ थोड़ा, तो आपको ज्यादा से समझ में आएगा। फिर से देखो ज्यादा क्लियर होगा। अगर हम बात करें अपने अर्थ की, ये हमारा सर थोड़ा ज्यादा पढ़ा, ठीक है, और इसको अगर यहां से बेटा कैटेगराइज कर दें, कट कर दें, तो मैंने आपको बताया सबसे ऊपरी जो लेयर होती है बेटा उसको कहते हैं क्रस्ट, उसके नीचे 2900 किलोमीटर तक है ना, यहां से लेकर के यहाँ ये होती है, यहां से लेकर के यहाँ, और ये जो कोर होता है बेटा शुरू से लेकर के, मैंने जहां मेंटल खत्म हो रही है वहां से लेकर के अर्थ के सेंटर तक जो होता है कोर, ठीक है, मोस्टली हम तीन ही पार्ट में तो बांटते हैं पूरे अर्थ को, अर्थ के इनर पार्ट को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन पार्ट से बांट सकते हैं। पहला क्या था, क्रस्ट, ठीक है, दूसरा क्या था बेटा, मेंटल, और तीसरा हिस्सा क्या है हमारा, यह है हमारा कोर, ठीक है। अब हम क्रस्ट को कैसे, क्रस्ट को दो नामों से बांटते हैं, जो हमारा ऊपर का क्रस्ट है ना, देखो जो क्रस्ट है बेटा वो दो तरह से उसको हम देखते हैं, एक तो हमारा होता है ओशियन के ऊपर का क्रस्ट है ना, समुद्र के नीचे की जो तली होती है, और एक होता है कॉन्टिनेंट, जहां मतलब लैंड है उसके नीचे धरती कैसी है, और जहां ओशियन है उसके नीचे की धरती कैसी है,
तो लैंड के नीचे वाली जो भी क्रस्ट होगी, ठीक है बेटा, उसको कहते हैं सियाल। आप लोग को बताया ही मैंने, और जो ओशियन के नीचे वाला होगा उसको हम कहते हैं सीमा, ये भी बता दिया आप लोगों ने, ठीक है। और ये जो कोर है ना, अच्छा ठीक है शुभम, ये बताओ बेटा इसको सियाल क्यों कहते हैं? क्रस्ट जो कॉन्टिनेंट के नीचे जो क्रस्ट होती है उसको सियाल क्यों कहते हैं, बताइए जल्दी से। पता है तो जल्दी बताइए, नहीं पता है तो दूसरे बच्चे को पास करिए, एक सेकेंड में। शुभम, शुभम नहीं है क्या? शुभम सो गए क्या? यस सर। तो बोलो ना भाई, कहाँ रहते हो? मैं कह रहा हूँ कि सियाल, सॉरी, क्रस्ट का जो ये हिस्सा होता है सियाल, उसको क्यों कहते हैं? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बताओ। सर मैं बताऊँ? हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ। सिलिसा एंड एल्यूमिनियम मिला होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही। और दक्ष, इसको सीमा क्यों कहते हैं? दक्ष, इसको सीमा क्यों कहते हैं? सर इसको सीमा इसीलिए बोलते हैं, SL सीमा। हाँ नहीं बेटा, मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम जो क्रस्ट का, जो ओशन के नीचे का जो क्रस्ट होता है ना, वो किसका बना होता है? ओशियन के नीचे का जो क्रस्ट होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। हाँ बिल्कुल, तो सिलिका और मैग्नीशियम। और जो बेटा कोर है ना, वो किसका बना होता है बताओ? कार्बन, बोलो बोलो, कार्बन और कोर जो होता है किसका? निफे का बना होता है। तो मतलब कि बेटा निकेल है ना, ओ सॉरी यार, मार्कर किससे नहीं लिखना ना, फिंगर से कितना लिख सकता है, कोई बात। देखो बेटा, जो कोर होता है वो किसी का बना होता है? निकेल का और फेरस का, फेरस मतलब कि आयरन, ठीक है ना। तो निफे, एन आई निकेल, एफ ई फेरस, तो एन आई एफ ई निफे, समझ गए? कोर के अंदर निकेल और आयरन होता है, तो बेटा आयरन का जो नेम होता है मिनरल में, उसको हम लोग फेरस कहते हैं, इसलिए कोर को हम निफे कहते हैं, और जो क्रस्ट होता है उसको सियाल और सीमा कहते हैं। यहां तक समझ में आया सारे बच्चों को? कोई डाउट? शुभम कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके बेटा, चलो आगे देखते हैं फिर। इस बात को तो बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, जो मैंने चैप्टर करा दिया ना, चाहे मेरे पास प्रधानमंत्री का भी बेटा आ जाए, दोबारा मैं नहीं कराऊंगा उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात का तो एकदम फैक्ट मानिए। तो आप लोग क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब अपना फायदा करा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो बच्चों को दे सकता हूँ। तो यहां तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारा अर्थ है, इनर पार्ट क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट दो हिस्से होते हैं, सियाल और सीमा। सियाल कैसा होता है? सियाल जो कॉन्टिनेंट के ऊपर होता है, और सीमा जो ओशन के ऊपर होता है। उसके नीचे आता है हमारा मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और सबसे नीचे क्या होता है? निफे, मतलब कि कोर है ना, जो सबसे नीचे ये रेड कलर का, ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये कोर है। और इस, ये जो कोर वो होता है वो किस चीज का बना होता है? निकेल और फेरस का, इसलिए इसको हम निफे भी कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं बेटा रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। देखो, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है ना। अर्थ का जो क्रस्ट है वो अलग अलग टाइप के, बहुत अलग अलग टाइप के क्या कहते हैं, रॉक से मिलकर बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। एंड रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। कहने का मतलब ये एक लाइन लिखी है कि एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर्स,
दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। देखो आप अगर कोई बहुत बड़े पत्थर को लेके आते हो, छोटे से कंकड़ को लेके आते हो, पाउडर जैसे हुए है ना, डस्ट जो होता है, मिट्टी होती है या मिट्टी हो, है ना, ये जो भी चीज हमारे अर्थ के ऊपर दिखती है, काई, काई जो होती है, एल्गी, ये जो भी सब जितनी जिन भी चीजों से मिलके बना होता है हमारा अर्थ का क्रस्ट, उन सबों को क्या कहते हैं, रॉक ही कहते हैं। रॉक का मतलब ये नहीं कि पत्थर का टुकड़ा, रॉक का मतलब सॉयल भी एक रॉक ही है, और जो डस्ट है, जो धूल उड़ती है, धूल जो सड़कों पर बिखरी रहती है, वो भी रॉक के ही पार्ट से, ठीक है। तो अब अगर हम टाइप्स ऑफ रॉक की बात करें तो टाइप ऑफ रॉक्स किस तरह होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। चलो अब जो हम सारे रॉक्स की बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, यहां पे कुछ टर्म्स हैं ब्रॉड लाइन में हम देख सकते हैं। इग्नियस का मतलब क्या होता है, इग्नियस मींस फायर, जो आग से बनी हो। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटम, मतलब कि जो मलबे के जमा होने से बनता है, मीनिंग सेटल डाउन, नीचे बैठने से। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब रूप के बदलने से, किसी के फॉर्म के चेंज होने से क्या बनता है बेटे, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मैं तीनों रॉक को एक बार अच्छी तरह समझा देता हूं और उसके बाद इस चैप्टर को कल पूरी टोटली तरह से खत्म कर देंगे। एक बार आप लोग बोर्ड पे फिर से ध्यान दो, व्हाइट बोर्ड पे। देखो मैंने बात की रॉक्स की, ठीक है, रॉक्स, रॉक्स कितने होते हैं बेटा, तीन टाइप के होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तीन टाइप के रॉक्स होते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका, इग्नियस, दूसरा होता है सेडिमेंट्री, और तीसरा क्या होता है, मेटामॉर्फिक। जो अब मैं बात करूं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में सबसे पहले, ठीक है, सॉरी इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस का मतलब बेटा जो होता है, लैटिन वर्ड से इग्नस से बना, जिसका मतलब होता है फायर, ये तो हमें पता है। दूसरी बात कि हमारे अर्थ के बहुत अधिक गहराई में, ठीक है ना, अर्थ के बहुत अधिक बेंथ में, गहराई में ये रॉक पाई जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारी अर्थ है ना, इसका ऊपर का ये मेंटल का हिस्सा है, सॉरी मैंने क्रस्ट का, क्रस्ट के नीचे मेंटल है। आपको पता है ना, मेंटल में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, चट्टाने पिघली हुई अवस्था में होते हैं। तो जब किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट से, जैसे मान लो बेटा ये अर्थ है और यहाँ से क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, मतलब कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, बाहर आया, तो ये मेंटल के पास जो पिघला हुआ चट्टान था ना, एकदम मेल्टेड रॉक, वो क्या होता है बेटा, लावा के रूप में बह करके बाहर आता है, और बह करके जब बाहर आता है तो अर्थ पर है ना इस तरह से बिखर करके जमने लगता है। और यही रॉक जब धरती के ऊपर आता है, सरफेस पे आता है, और धीरे धीरे कूल होने लगता है, कूल होकर के क्या होता है, यही इग्नियस रॉक बन जाता है। बात समझ में आई आप लोग को, जो अर्थ के अंदर जो मेंटल होता है, वहां से वोल्केनिक इरप्शन जब हो, टूट करके जब धरती के बाहर कोई वोल्केनो आती है, ज्वालामुखी आती है, ठीक है, तो उसके बाहर आने पे क्या होता है कि वो फिर ठंडा होकर जमने लगता है, और जम करके ठोस चट्टान बना लेता है, रॉक बना लेता है, तो इसी को हम बेटा क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। ये समझ में आया होगा आप लोगों को, शुभम बेटा आया आपको समझ में इग्नियस रॉक के बारे में? शुभम हो नहीं क्या, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो यार, गूंगे हो क्या? शुभम तुम्हें आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। कहाँ हो तुम, मेरे बोलने के आधे घंटे के बाद तुम्हारा रिप्लाई आता है। दक्ष
यस सर। समझ में आया इग्नियस रॉक जो मैंने कराया ये वाला? सर नहीं। हाँ तो बोलो ना कि नहीं आया। इग्नियस रॉक क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा ये अर्थ है, तो बोलते क्यों नहीं हो कि नहीं समझ में आया, फिर मैं 10 बार समझाऊंगा। तो धरती के आपको पता है ना कि अगर हम इसको एक तरह से अगर धरती को हम देखें, सॉरी इसको अगर कट कर लें, तो आपको पता है ना क्या, ये ऊपर तो क्रस्ट होता है, उसके नीचे मेंटल होता है। मेंटल क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, चट्टाने एकदम लिक्विड फॉर्म में फ्लो करते रहती है। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो यहीं से लावा या मैग्मा जो होता है हमारे क्रस्ट पर आता है, बाहर आता है, ठीक है। तो जैसे ही ये मेंटल के अंदर से लावा ज्वालामुखी उद्भेदन या वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर आता है, तो ये गिर के कहाँ गिरता है, जाके हमारे अर्थ के सर्विस पे गिरता जाता है, ये जमा होता जाता है ये, ठीक है, इस तरह जमा होता जाता है ये हमारे अर्थ के ऊपर सर्फेस पे। और जब बहुत दिनों के बाद यही जब लावा, गर्म लावा जब जम करके ठंडा होने लगता है, तो इससे रॉक बन जाती है, जिसको कि इग्नियस रॉक कहते हैं। अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? सर आया। ठीक है, तो बोलो ना कहाँ ध्यान रहता है, इसे तो ज्यादा ही अच्छी तरह से पिछली बार समझाया था मैंने। जिसको भी समझ में नहीं आएगा ना बोलेगा, गूंगा नहीं बना रहेगा कोई, ठीक है। अब देखिए मैं और इसके बारे में बताऊं, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में थोड़ा बताते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, कल के क्लास में ही मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा और बता दें क्या होता है। जैसे मान लो कि हमारा ये सी फ्लोर है ना, ठीक है, यहां पर क्या है, मान लो कि सागर, ये समुद्र भरा पड़ा, तो क्या होता है, ये माउंटेन से या जहां से भी रिवर्स जो होती है, नदियां बहा बहा करके इसमें जाके समुद्र में गिरती हैं, सारी नदियां इसमें गिरती हैं, तो अपने साथ है ना सेडिमेंट या मलवा भरते रहती, समझ रहे, सेडिमेंट या मलवा भरते रहेंगे इसके ऊपर, है ना, ये जो बॉटम होता है यहाँ पर जाके जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, एक के ऊपर एक परत दर परत जमा होता जाएगा, ठीक है, परत दर परत जमा होता जाएगा। तो ये जब जैसे एक कोई परत है, कोई मलवा आया थोड़ा सेडिमेंट, उसके ऊपर फिर एक परत गिर गई, फिर एक लेयर आ गई उसके ऊपर, इस तरह से लेयर बाई लेयर जो होता जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इस पे दबाव पड़ेगा, और ये बाद में है ना एक पूरा बार बार सेडिमेंट के गिरने से और जमने से क्या होगा, ये एक रॉक की तरह बन जाएगा। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होते हैं, जब एक के बाद एक के ऊपर परत दर परत या लेयर बाई लेयर कोई सेडिमेंट जमा होता जाता है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के चलते वो रॉक में फॉर्म हो जाता है, रॉक में बदल जाता है, इसी को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। समझ में आया आपको शुभम ये वाला सेडिमेंट्री रॉक? दिलीप तुम्हें आया ये? दिलीप भाई गूंगे हो आप लोग क्या? यस सर। मेरी आवाज लेट से पहुंच रही है या आप लोग भी आ गया? मैं कह रहा हूं बेटा मेरी आवाज लेट से पहुंचती है या आप लोग ही गलती करते? चलो, और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक हो या इग्नियस रॉक है ना, इग्नियस रॉक हो, इन दोनों पे जब बहुत अधिक हीट या प्रेशर पड़ता जाता है, तो यही जो रॉक होते हैं बेटा, इसी के फॉर्म में चेंज होने से वो जो रॉक होते हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक पर ही बार बार हीट टेम्परेचर या प्रेशर ज्यादा पड़ने से वो उसका जो फॉर्म चेंज हो जाता है, तो उसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। आज इतना ही क्लास रखते हैं और फिर कल जो होगा हम लोग इसके आगे करेंगे, ठीक है, ओके।